हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांट प्लैनेट। ये मेरा सुदर्शन प्लांट है, इसे स्पाइडर लिली भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है क्योंकि ये पूरे साल ऐसे ही हरा भरा दिखाई देता है। इसकी केयर करना बहुत ही आसान है, ये साल में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्लांट में अभी बर्ड्स आने शुरू हुए हैं, ये एक दो दिन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। ये जुलाई और अगस्त में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। न्यू गार्डनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब इसकी केयर की बात करें हम, तो इसे सैंडी सॉइल बहुत पसंद है। वेलड्रेन सॉइल होनी चाहिए जिसमें सैंड ज़्यादा और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल कम होना चाहिए। इसकी लाइट की बात करें तो इसको फुल लाइट या शेडेड लाइट पसंद है। ये आउटडोर प्लांट है इसलिए इसे 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए, इसे हम इंडोर ग्रो नहीं कर सकते हैं। वाटरिंग की बात करें तो इसको पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, इसे हमें तभी पानी देना चाहिए जब इसकी मिट्टी सूख जाए। अदरवाइज इसे अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये प्लांट मरना शुरू हो जाता है। इसे खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, साल में 2 बार गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट हम डाल दें तो इसके लिए बहुत होता है। प्रोपगेशन की बात करें तो इसको हम रूट डिवाइडिंग से ही प्रोपगेट कर सकते हैं। आइए मैं इसे दिखाती हूँ। इसमें देखिए कई मेरे प्लांट में 4 से 5 स्टेम हैं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी सॉइल को पूरा पॉट से निकाल के और इस तरीके से सॉइल के समेत इसे डिवाइड करके और रिपॉट कर सकते हैं। अब इसकी हम बेनिफिट की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। किसी को भी जिसे जोड़ों में स्वेलिंग या दर्द होता है उस पे इसकी पत्तियों को हल्का गैस पे गर्म करके अगर बांध दिया जाए तो धीरे धीरे करके उसकी स्वेलिंग और दर्द खत्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये पौधा आप सभी के गार्डन में होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। सो थैंक यू।